देख रहे हैं बिसिंगपुर से प्रसारण रॉक टीवी 8 पर, और आज से बिसिंगपुर पर फुटबॉल टूर्नामेंट स्वर्गीय विश्वजीत सिंह जी के नाम पर मेमोरियल टूर्नामेंट होता है हर साल। उनको पिताजी कर दिए और उसका साथ साथ सब जितना भी है आगे के उनको हमारा भाई को जरूर पुष्प दे और देखिए आप लोग उसको आत्मा को शांति के लिए कामना कीजिएगा और धीरे धीरे सब आकर के एक एक दे रहे हैं फूल। आप लोग भी जल्दी आइए और अपना अपना फूल देके उसको कीजिए। आप टीम का जो साथ है आप 11 प्लेयर को आप ग्राउंड में अंदर भेजिए। ओपनिंग हो रहा ये दोनों को टीम को हेलो कमिटी के जितना भी मेंबर है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कालीचरण देव आकाश विश्वरूप शुभजीत सिंह भोला रविकांत विशु आप लोग उसको पीनिएगा उसे। हम लोग के सामने एक होनहार खिलाड़ी और हमेशा उद्योगता रहा है ऐसे गेम के प्रति ऐसे स्पोर्ट्स के प्रति हमारे विश्वजीत सिंह जी जो हमारे बीच अभी नहीं रहे लेकिन उसका यादें हमेशा हम लोग के पास है और जिंदगी भर इस चीज को याद करते हुए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम लोग हमेशा ऐसे कार्य को करते आए हैं। और आज इतिहास रचा गया था उसी इतिहास का आज चौथा साल है और आज हम लोग फिर से इसी बिसिंगपुर मैदान में विश्वजीत सिंह जी का यादें को ताजा करते हुए हम लोग इस ग्राउंड पे आए हैं और कुछ ही क्षण बाद फिर से इतिहास रचा जा रहा है या जाएगा। आज उसी इतिहास रचने के लिए हमारे साथ साक्षी बनने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे जिला परिषद सदस्य संख्या 9 से हमारे मिस्टर पिंटू सिंह जी कुछ ही क्षण बाद हमारे इस फील्ड में पहुंच जाएंगे और हम लोग सबको ये माल्यार्पण करके हम लोग इस स्पोर्ट्स का इस चुनाव का हम लोग अभिवादन करेंगे और ओपनिंग सेरेमनी का आगाज करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है और सोच अच्छी है हमारे बिसिंगपुर के एमसी के सारे मेंबर जो इतने कर्मठ और इतने इसको आप देख सकते हैं बिसिंगपुर ग्राउंड से निरसा स्पोर्ट्स वर्सेस सुरपुरिया के बीच ये पहला मैच ओपनिंग मैच सिर्फ रॉक टीवी 8 पर। और अजीत जी भूमिका में चिंता हजरा जी है और उनके सहयोगी चारों का हमारे इस ग्राउंड में बहुत बड़ा अवदान है और अवदान के साथ साथ आज विश्वजीत सिंह जी को याद करते हुए ऐसा यादगार पल को और यादगार हम लोग बना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और फोटोग्राफी के साथ हमारे मुगमा से एक यादगार फोटोग्राफर आप देख रहे हैं एक रिपोर्टर सोचिए वो उनके साथ भी बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरा भाई का दोस्त है वो और हम इनका भी क्रिकेट मैच देखे हैं यदि खेलते थे एक समय जो कैमरा कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कैमरा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे एनसी क्लास के टाइगर चिंटू हाजरा धन्यवाद रेफरी टाइगर है श्री नंदन हेमराम निर्सा स्पोर्ट्स क्लब कैप्टन धन्यवाद धन्यवाद मैच के समय हम उनके बारे में मैं अजीत टुडू कैंप से क्लब प्रेसिंग को सिंपुरिया कप्तान सुदन लाल सोरेन धनबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन
रंजित बावरे केएम से क्लब सिरपुरिया किशन बावरी अनुज बावरे केएम से क्लब सिरपुरिया पिताजी स्पोर्ट्स क्लब निमाय किसको विकास मुर्मू भवन मुर्मू प्रसन्नजीत सिंह युवराज मुर्मू मिस्टर गुरुप्रसाद सिंह जी सिविल वास आप लोग विक्रम मुर्मू राजकिशोर हमारे ग्राउंड पे आए और ओपनिंग शिरोमणि गुरुप्रसाद सिंह जी हम लोग एक बात को रॉक टीवी यूट्यूब रॉक टीवी 8 पे जाके आप सर्च करेंगे और पूरा वीडियो आप देख पे आएंगे रॉक टीवी 8 यूट्यूब चैनल हमारे विश्वजीत सिंह जी का पिता मिस्टर तारापद सिंह जी बहुत ही दुखी रहते हैं हमेशा और एक सही बात है कि बड़ा बेटा दिल से गिनी का चुनाव तो बहुत ही दुखदायी है ये पल और हम इस पल को हम जानते हैं कि ये हर बार रो देते हैं हमारे विश्वजीत सिंह जी का पिताजी हमेशा ऐसे क्षण में आंसू उनका निकल जाता है क्योंकि उनका बड़ा बेटा आज नहीं है लेकिन हाँ बड़ा बेटा एक बहुत ही सुंदर चीज या बहुत ही सुंदर एक अनोखा चीज हम लोग को देके गया है चलिए थैंक यू सो मच चलिए ओपनिंग शिरोमणि हमारे विश्वजीत सिंह जी के पिताजी हमारे मिस्टर तारापद सिंह जी आम थोड़ा आप लोगों का शर्मिंदा होने पड़ा काहे को बुक किए लेकिन वो कलकत्ता गया है अभी उनको जान से आए नहीं है रेफरी मॉडल को उसको हम आज कल का और इसी के साथ आप देख रहे हैं बिशिंगपुर से ये मैच का शुभारंभ हो चुका है स्वर्गीय विश्वजीत सिंह जी के पिताजी ने ये मैच का आगाज कर दिए हैं और ये टूर्नामेंट 3 दिवसीय है लगातार 3 दिन यहाँ मैच चलेंगे 16 टीम भाग लिए हैं पहला मैच निरसा स्पोर्ट्स वर्सेस सिरपुरिया के बीच आज का मैच आप देख सकते हैं रॉक टीवी 8 पर कुछ क्षण बाद दोनों ही टीम तैयार है और इस खुशमजाज मौसम और इतने सुंदर दर्शक 40,325 दर्शकों का समागम हो रहा है अभी यहाँ पे और हम लोग मैच का आनंद ले रहे हैं और लेंगे आप देख सकते हैं निशा स्पोर्ट्स के टीम स्पोर्ट्स के खिलाड़ी करण टुड्डू और केएमसी और बुधन सोमनाथ टुड्डू एवं शिवम बास्की रेफरी के भूमिका में उसके बाद डीएमसी बिशिंगपुर वर्सेस आर्मी वर्सेस सुरेंद्र राणा चलिए इस मैच का आनंद हम लोग लेंगे और उसके बाद सारे लोग शुरू करने जा रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे क्योंकि हमेशा
ये मैच 20 मिनट का है फर्स्ट हाफ। मैच शुरू होते हुए 57 नंबर खिलाड़ी निशा स्पोर्ट्स के एक निशा स्पोर्ट्स के लिए मौका मगर इस मौके को भुना नहीं पाए। और एक मौका 24 नंबर खिलाड़ी ने मार के क्लियर किया बॉल को, आप देख सकते हैं। अच्छा पास और एक मौका निशा स्पोर्ट्स के लिए। ऑफसाइड अच्छा प्रयास था मगर गोल नहीं हुआ। ¿Qué es lo que se hace?
बोलिए भेज देते हैं विकास बोल सो विकास विकास और इसी के साथ हाफ टाइम एक गोल से बढ़त बनाए हुए हैं निशा स्पोर्ट्स क्लब। उसको आपको टच करना नहीं है या उसको क्रॉस करके पार करना भी आपको निषेध है। एक नंबर, दूसरा नंबर नेट पे एक अच्छा मौका मौका ओ फिर मौका और गोल, ये दूसरा गोल निशा स्पोर्ट्स ने दूसरा गोल ठोक दिया है। ऑफसाइड माफ कीजिए गोल नहीं है ऑफसाइड। Yeah.
फिर मौका और एक अच्छा मौका। ओ अच्छा बच्चा चुचू है भाई, खुली जो चुचू अच्छा मौका गवाए। नंबर तो है नहीं, नंबर नहीं। बाबा 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 खेलो ना, कारण यहाँ राज्य खाली है, वहाँ मेन ब्लॉक है, वहाँ खेल रहा है। बोल ले फिर मौका। ओ फिर गोली का बचाव, कॉर्नर बोलो बे, बोलो बे दिया। आउनी बाबा उनी आ चुका है, बाय करो सर। या बुयो ये हुक्चा ना देख सी बाबी लग बोलो बाबा, बोलो मैं बोलो मियो यार बेबे, खेलो ना, खड़ा करो ना टीम को, खड़ा करने में क्या हो रहा है। चल काज को पढ़ा लोगों ने। हाँ पढ़ा किधर है। देखिए
बाबा रोड़ा में रोड़ा सर तलारे तलारे रोड़ा पे मार